दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जिसने अपने देश के लिए एक सुरक्षा कवच बना रखा है। जी हाँ, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे दुनिया का कोई भी देश तोड़ नहीं सकता। दोस्तों ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस दुनिया के तमाम देशों पर राज करती है। ये बात सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे ये कंपनी जरूर रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान या चीन जैसे बड़े देश की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये देश दुनिया की सबसे छोटे देशों की लिस्ट में शामिल है और इस देश की कुल आबादी लगभग 23.19 मिलियन है, यानी कि इस पूरे देश की आबादी हमारे भारत राज्य के उत्तर प्रदेश से भी कम है। फिर भी इस देश से दुश्मनी मोल लेने से पहले किसी भी देश को 100 बार सोचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ताइवान देश की, जिससे पंगा लेने के बारे में कोई भी देश सोच नहीं सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक ताइवान है तब तक इस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाती है उनका भी अस्तित्व है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया में जितने भी लैपटॉप, मोबाइल, ऑटोमोबाइल सहित अन्य दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं और इनमें जो भी सेमीकंडक्टर चिप लगते हैं उनमें 90% एडवांस सेमीकंडक्टर एवं चिप ताइवान की इसी कंपनी के होते हैं। ये सब इन्हीं के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद आप ताइवान के इस कंपनी का नाम सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ताइवान के इस कंपनी का नाम ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी शॉर्ट में TSMC है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, सोनी, एसयूस, यमहा, नवीडा, पैनासोनिक जैसी कई और सैकड़ों कंपनियां TSMC से ही चिप खरीदती हैं। आखिर यह कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे? अगर यह कंपनी एडवांस सेमीकंडक्टर और चिप की सप्लाई करना बंद कर दे तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज जिस कंपनी की वजह से सस्ते दामों में स्मार्टफोन्स लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें आप अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये काम सिर्फ और सिर्फ ताइवान की TSMC कंपनी की वजह से ही साकार हो पा रहा है दोस्तों। लेकिन यह कंपनी अस्तित्व में आई कैसे जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। दोस्तों जानेंगे इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों हम आपको बता दें कि चाइना ताइवान देश को अपने ही देश का हिस्सा मानता है और इसे अपने देश में मिलाने के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है। ताइवान देश का इस दुनिया में क्या महत्व है, आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के मना करने के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया, जिसके बाद चाइना अमेरिका पर भड़क उठा। हम आपको बताते चले कि ताइवान की TSMC में मैन्युफैक्चरिंग होने वाला सेमीकंडक्टर दुनिया के सभी देशों में सप्लाई होता है। TSMC कंपनी में बनने वाला एडवांस सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डोरबेल, एसी फ्रिज, कार, हवाई जहाज, यहाँ तक कि बड़े बड़े फाइटर जेट में भी इसका इस्तेमाल होता है भैया। इस दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी कंपनियां हैं जिसमें पहला नाम TSMC कंपनी तो वहीं दूसरा नाम दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी का आता है, जो 10 नैनोमीटर से भी कम साइट की एडवांस चिप बनाने का काम करती है। लेकिन दुनिया के मार्केट पर 90% कैप्चर TSMC कंपनी का ही है, तो वहीं सैमसंग मार्केट में सेमीकंडक्टर की कमी को 10% भी ठीक से पूरा नहीं कर पाती। TSMC कंपनी तो अब लेटेस्ट 5 नैनोमीटर के चिप बनाने लगी है। दोस्तों अब आपको बता दें कि नैनोमीटर के जरिए किसी भी ट्रांजिस्टर के लेंथ को मापने का काम किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर से 10,000 गुना ज्यादा पतला होता है। नैनोमीटर ट्रांजिस्टर का काम इलेक्ट्रिक डिवाइस के पावर को कंट्रोल करना होता है। नैनोमीटर ट्रांजिस्टर का साइज जितना अधिक छोटा रहता है, चिप में उसे उतनी ही आसानी से ज्यादा मात्रा में फिट किया जा सकता है। एक चिप में सबसे ज्यादा नैनोमीटर ट्रांजिस्टर फिट किए जाने का सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि ये चिप जिस भी डिवाइस में लगते हैं उसे और भी ज्यादा पावरफुल डिवाइस बना देते हैं। ऐसे में दोस्तों ऐसी किफायती और पावरफुल चिप बनाने का काम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ TSMC कंपनी ही करती है। इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारी कंपनियों और देशों ने ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर चिप बनाने की कोशिश की, लेकिन जितने सस्ते प्राइस में ताइवान की कंपनी TSMC इस चिप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस हिसाब से इस काम को कोई भी कंपनी नहीं कर सकी और लॉस होने के कारण कई कंपनियों को मजबूरन बंद ही होना पड़ा।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाखून के बराबर से दिखने वाले इस सेमीकंडक्टर चिप में लगभग 50 बिलियन ट्रांजिस्टर को फिट करना पड़ता है। सेमीकंडक्टर का निर्माण सिलिकॉन से होता है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए सिलिकॉन की कटिंग करके इसमें कुछ खास तरह की डोपिंग को मिलाया जाता है। साथ ही इसमें कॉपर वायर का भी इस्तेमाल होता है ताकि इन सेमीकंडक्टर में पावर को सुचारू रूप से प्रवाहित कराया जा सके। ऐसे में जब ये चिप बनकर तैयार हो जाती है तो इसे हाईटेक उपकरणों में इंस्टॉल किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डाटा की प्रोसेसिंग होती है दोस्तों। यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज के समय में कार से लेकर यहाँ तक कि स्मार्टफोन और सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसों में इसका उपयोग किया जाता है। तो वहीं अगर हमारे भारत देश की बात की जाए तो हमारा देश भी सेमीकंडक्टर के लिए 60% ताइवान पर और बाकी का 40% चीन, जापान, साउथ कोरिया और अपने ही देश की कुछ कंपनियां जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। अब दोस्तों ताइवान के इस कंपनी TSMC के बारे में इतना कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है, आखिर यह कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे और देखते ही देखते कैसे अपने देश के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया और दुनिया की तमाम कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए सेमीकंडक्टर की दुनिया में कैसे TSMC कंपनी ने 90% मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने की थी, जो कि 19 के दशक में 30% सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड को पूरा करता था। लेकिन जापान उस समय 1980 के दौरान सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया और कम प्राइस में ही सेमीकंडक्टर दूसरे देशों में भी निर्यात करने लगा। इससे अमेरिका कंपनी को काफी घाटा हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को बंद करना पड़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका जिस सेमीकंडक्टर चिप को बना रही थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी दोस्तों और प्रॉफिट बहुत कम। यही वजह रही कि मजबूरन अमेरिका को अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। इस तरह से दुनिया की तमाम कंपनियां जो सेमीकंडक्टर चिप बना रही थी, जब उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ तो वह तमाम कंपनियां भी बंद पड़ गई। लेकिन उस समय एक ऐसा भी व्यक्ति था जो इस सेमीकंडक्टर चिप की लॉन्ग टर्म डिमांड और इससे होने वाले मुनाफे को समझते हुए अमेरिका में ही सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को शुरू कर दिया। इस शख्स का नाम मॉरिस चैंग था। इन्होंने TSMC कंपनी की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में की थी, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से इन्होंने कुछ ही सालों में अपनी कंपनी को अमेरिका से बंद करके इसे दोबारा से ताइवान में सन 1987 में खड़ा किया। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के इस काम में ताइवान गवर्नमेंट ने भी TSMC कंपनी का भरपूर साथ दिया दोस्तों, और इस तरह से सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत हो गई। TSMC कंपनी के फाउंडर मॉरिस चैंग ने एक ऐसा मार्केट प्लान बनाया जिसकी वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लग रही थी वो काफी कम हो गई और घाटे की वजह से जिस कंपनी को अमेरिका में बंद करना पड़ गया था, धीरे धीरे वह TSMC कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाने के साथ साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने लगी। तो दोस्तों आज के समय में इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने वाली कंपनियों में से 90% कंपनियां TSMC कंपनी के एडवांस सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर निर्भर हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि चीन ताइवान देश को हथियाना चाहता है और इसे अपने ही देश का हिस्सा मानता है। यहाँ तक कि चीन ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट होने की वजह से चीन कुछ कर नहीं पाता है और कई मौकों पर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच गहमा गहमी भी हो चुकी है। और हाँ, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि चीन आखिर ताइवान को हड़पने के लिए इतना पगलाया क्यों हुआ है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम इस पर आपके लिए वीडियो बनाकर लाए। खैर, चीन ने तो यहाँ तक कह दिया है ताइवान और हमारे बीच अमेरिका दखल अंदाजी ना करे, वरना अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका ताइवान का कवच बनकर खड़ा हुआ है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि अमेरिका देश भी ताइवान के इसी सेमीकंडक्टर चिप पर निर्भर है। यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो इससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा किया तो वह अमेरिका से भी कहीं आगे निकल जाएगा और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर एक तानाशाह की तरह पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर देगा। क्योंकि जरा सोचो, चीन अपने ही देश में 90% मुस्लिमों को तो पहले ही मौत के घाट उतार चुका है। अब ऐसे में इस तरह का देश अगर सबसे बड़ी ताकत बना तो बाकी देश के लोगों के साथ वह क्या करेगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है।
खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।